नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑन व्हाट आर कंटीन्यूअस ऑपरेशंस। सो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइबर नहीं बने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइबर बन जाओ यार, क्योंकि इससे आपका भी फायदा होगा और मेरा भी भला हो जाएगा। सो बेसिकली कंटिन्यूस ऑपरेशंस आर दोस कोर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज और एक्टिविटीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच आर ऑलवेज ऑन गोइंग एंड सस्टेन इन द इवेंट ऑफ बिजनेस डिस्ट्रप्शन। बेसिकली कंटिन्यूस ऑपरेशंस आर दोस 24/7 ऑपरेशंस जो एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस करता है विद अ डाउन टाइम ओनली फॉर मेंटेनेंसेस एंड रिपेयर्स। एंड द बेनिफिट of these continuous operations is that you get high output, lowered production cost and an improved quality control. But there are also a few limitations to these continuous operations which include high capital expenditure and low production flexibility. A business needs to operate continuously and it also needs to make preparations for disruption. अब अगर किसी नेचुरल कलामिटी की वजह से या पावर कट ऑफ की वजह से या किसी अदर एक्सटर्नल चीज की वजह से ये डिस्ट्रप्शन आता भी है, तो भी यू शुड बी इन द पोजिशन टू हैव दोज ऑपरेशंस वर्किंग विद हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और अ बैकअप स्ट्रैटेजी। एंड फ्रॉम दीज कंटिन्यूस ऑपरेशंस योर कंपनी कैन गेट अ कंटिन्यूस यील्ड ऑफ मनी। इट इज द प्राइमरी सोर्स of income for a company generated from its principal or core business activity. एक example, जैसे एक company जो कि car बनाती है, उसकी core activity is to make a car and to sell it. और ये तभी हो सकता है जब continuous operations हो उस company के साथ. So दोस्तों, ये था हमारा आज का video on continuous operations. अगर इस video ने आपको value दी, तो please do share it with your friends. Thank you so much. God bless you all.